एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंघवी। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं एज प्रॉमिस फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम फॉर क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड। स्टूडेंट्स, आप सबको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बहुत समय नहीं दे पाई पहले, लेकिन एक वन शॉट रिविजन लेकर आऊंगी। तो समय की कमी तो है, लेकिन मुझे लगा कि आपके सारे ये जो यूनिट्स है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है मैं उसको पिक कर लेती हूँ और उसका मैं आपको एक वन शॉट रिविजन प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आज मैंने आपके लिए यूनिट नंबर 2 जो कि फाइनेंस की यूनिट है उसे पिक किया है, जिसका हम यहाँ पर कंप्लीट रिविजन करने वाले हैं। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल आपको क्लास 11th एंड 12th एंड उसके आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इनफैक्ट दूसरे लोगों को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट स्टडिंग अवर फाइनेंस यूनिट विच इज योर यूनिट नंबर 2। नंबर 2 में सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। इसमें हम देखेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 11th में अकाउंट्स लेंगे, जो कि 99% पॉसिबिलिटी कि आप लेंगे, तो वहाँ पर भी इसे पढ़ेंगे। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिफर टू द कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड्स विच आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड बाय अकाउंट्स वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये एक तरीके की जनरल प्रैक्टिस या प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हर कोई फॉलो करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज प्रिंसिपल्स आर कि किस फॉर्म में बिजनेस हो रहा है, क्या बिजनेस सोल प्रोपराइटरशिप के फॉर्म में हो रहा है, क्या बिजनेस पार्टनरशिप के फॉर्म में हो रहा है या कंपनी के फॉर्म में हो रहा है, इट डज नॉट मैटर। सारे के सारे बिजनेसेस ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। क्या होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? इसमें से सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस ओनर। मतलब अगर हम बोले कि बिजनेस क्या है, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस के जितने खर्चे हैं और बिजनेस के जितने इनकम से ओनली दोज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम प्रोपराइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल इनकम की बात करें तो उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट नहीं करते। एंड इन सच ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और इनफैक्ट वहाँ पर जितनी बिजनेस असेट्स होती हैं वो भी बिजनेस के नाम पर होती हैं, इसीलिए दे आर रिटर्न सेपरेटली। एंड जितने बिजनेस के लाइबिलिटीज होती हैं दे आर ऑल्सो बिजनेस लाइबिलिटी, वो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर या ओनर नहीं होती है। वहाँ पर ओनर नाम नहीं होता है, वहाँ पर ओनर हो सकते हैं शेयर होल्डर या फिर पार्टनर्स। तो वही कॉन्सेप्ट है ये जो बोलता है कि बिजनेस is distinct or separate from its owner. Distinct from its owner, the concept of separate entity necessary for ascertaining the true and net profit of financial position of the business. क्योंकि अगर हमने business के expenses को और business के income को owner के expenses और owner की income से अलग नहीं रखा तो हम लोग true net profit को figure out नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये concept important है. Second है going concern concept. Going concern concept ये बोलता है that business is going to continue for indefinite period. काफी लंबे समय तक बिजनेस चलेगा, और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली द ओनर डज नॉट थिंक ऑफ स्टॉपिंग द बिजनेस। हमेशा यही सोच के बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कि बिजनेस लीप्स एंड बाउंड्स से फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा एंड बिजनेस आगे बहुत बढ़ेगा। यही सोच के अकॉर्डिंगली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए लाइबिलिटीज जनरेट होती है, इसीलिए महंगी महंगी फिक्स एसेट खरीदी जाती है। अगर हम अपनी मायोपिक अप्रोच रखें और ये सोचें कि आज बिजनेस स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन दो दिन के बाद बिजनेस बंद कर देंगे या कुछ सालों के बाद बिजनेस बंद कर देंगे, इन दैट कंडीशन बिजनेस में हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट सिचुएशन बिजनेस का ग्रो करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड। तो वही है ये कॉन्सेप्ट जो बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर एंड द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द अजम्पशन दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है एनीथिंग विच कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मतलब ऐसी चीजें विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू टेक मेक द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होमोजीनियस, रेलेवेंट एंड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज मॉनिटरली एक्सप्रेस हो सकती है एंड उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, उससे होमोजेनियटी आती है इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर हम बात करें बाकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समबडी, देन देयर कैन बी मेनी मेनी यू नो मेजर्स, तो उसके लिए हम होमोजेनियस नहीं ले कर पाएंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और वैसे भी जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं हम रिलेट करते हैं मनी से, तो यहाँ पर ऐसी चीजें जो कि क्वालिटी है या फिर कोई ट्रेड्स है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स है, उन सबको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन ड्यूअल एस्पेक्ट, ये है फोर्थ कॉन्सेप्ट गैप का। ड्यूअल एस्पेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट? इट सजेस्ट दैट एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट, मतलब ईच ट्रांजेक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट एंड ये दोनों ही एस्पेक्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज किए तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो मतलब एक ही ट्रांजेक्शन दो तरीके से बिजनेस के परफेक्ट करता है, एक हाथ से हमारे पास कुछ आता है और दूसरे हाथ से कुछ आता है एंड कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। तो हम हमेशा डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं जिसको ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दूसरा जो हमारी गैप के बाद दूसरा टॉपिक है वो है रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट? रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जिसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जैसे कि क्लब्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है, ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये एक तरीके की समरी होती है, समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पर हम सारे के सारे कैश रिसिट्स को लिखते हैं, रिसिट साइड एंड पेमेंट साइड में सारे के सारे पेमेंट्स को लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है और यहाँ पे सिर्फ कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। साथ ही साथ ये कोई अकाउंटिंग पीरियड को भी फॉलो नहीं करता है। जब हम रिसिट एंड पेमेंट की बात करते हैं, रिसिट एंड पेमेंट बनाते टाइम हम इस साल से रिलेटेड रिसिट, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रिसिट या फिर कमिंग ईयर से रिलेटेड रिसिट सारी की सारी एक जगह लिख लेते हैं एंड सेम ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पेमेंट ऑल्सो। तो देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के। द अकाउंट इज समरी ऑफ द कैश बुक कंबाइनिंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। जैसे कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश या बैंक बुक, कैश या बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाती है, उसी तरीके से नॉन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। द अकाउंट बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक एंड इट इज अ रियल अकाउंट। अगर हम थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ अकाउंट की बात करें तो रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट होता है, उसमें से रियल अकाउंट है आपका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑल कैश रिसिट बोथ ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आर शोन ऑन द डेबिट साइड। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन विच है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो कैश अकाउंट के अंदर या फिर बैंक अकाउंट के अंदर उन ट्रांजेक्शन को नहीं लिखते हैं जो कि कैपिटल इन द नेचर, मतलब कैश बुक के अंदर वो सारी चीजें नहीं दिखाई देती है या वो हमने बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ओके, वेरेज यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं बिटवीन द रेवेन्यू ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन या रेवेन्यू रिसिट या रेवेन्यू पेमेंट के बीच, रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट एंड रिसिट के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता, सबका सब यहीं पर लिख दिया जाता है। ऑल पेमेंट्स ऑफ व्हाटएवर नेचर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड विच इज क्रेडिट साइड। चलिए इसके यूसेज क्या है देख ले। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस के ऊपर बनाते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ से सरप्लस निकल के आता है, मतलब कि हमें पता चलता है प्रॉफिट कितना हुआ। डेफिसिट को बोलते हैं लॉस एंड सरप्लस होता है प्रॉफिट, मतलब जो एक नॉर्मल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉफिट को बोलती है प्रॉफिट, मतलब उन्होंने जितना ज्यादा अर्न किया उसको वो प्रॉफिट बोलते हैं, वेयर एज ये लोग इसको बोलते हैं सरप्लस। ओके, देन इट अलाउज द मैनेजमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द डिक्लाइन इन कैश रिसिट्स एंड इंक्रीज इन द कैश पेमेंट। तो यहाँ पर हम कैश के बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है बेसिकली उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैश इंक्रीज कितना हुआ, कैश डिक्रीज किया कितना हुआ, ये इसका यूज है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का। इट इन्फॉर्म्स द मेंबर्स अबाउट द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड मेजर आइटम्स ऑफ पेमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, कितने
हैं, जगह पर खर्चा हुआ, किस किस हेड पे खर्चा हुआ एंड कहाँ कहाँ से पैसा आया, इस सबका लेखा जोखा है एक तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट टेल्स एट ग्लांस द कैश पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ द बिगिनिंग एंड एट द एंड। मतलब हम जब स्टार्टिंग करते हैं डेबिट साइड पे, ओपनिंग साइड में हमारे पास होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक एंड जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमें क्रेडिट साइड पे मिलता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक तरीके का समरी। चले अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट जो कि बेस्ड ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। अगेन दिस इज एन अकाउंट विच इज मेड बाय नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है जहाँ पर हम डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं जिसका नाम है एक्सपेंडिचर ओवर ईयर एंड क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम जनरेट होती है उनको लिखा जाता है। तो देखिए क्या बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू सर्टेन द सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्योंकि ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेगी एंड लॉस की जगह कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, डेफिसिट वर्ड यूज किया जाएगा। ऑफ एन इन एन अकाउंटिंग ईयर इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलती है उसी को ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सम फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर दीज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक नॉट रिकॉर्डिंग इन इट। वो तो कहां चले गए थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चले गए थे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पर इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड एंड ऑल द आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड। हमने देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम हमने कोई डिस्टिंक्शन किया ही नहीं वेदर एन एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट हमने क्रेडिट साइड में बुकिंग कर लिया। सिमिलर थिंग इज इनकम। इनकम वेदर इट इज रेवेन्यू इन द नेचर और वेदर इट इज कैपिटल इन द नेचर हमने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया उसके बीच में और दोनों के दोनों को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या सरप्लस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हमें सारे के सारे कैपिटल रिसिट्स को यहाँ से उठा के अलग करना होगा, वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे और यहाँ पर ओनली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू नेचर की इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर पर्टेनिंग टू ओनली करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन दैट। जो एक चीज रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट करता है वो ये नहीं देखता है वेदर द रिसिट इज बिलोंगिंग टू द करंट ईयर और द रिसिट इज बिलोंगिंग टू द कमिंग ईयर और रिसिट इज बिलोंगिंग टू द प्रीवियस ईयर। जैसे ही रोकड़ा आया रिकॉर्ड कर लिया जाता है डेबिट साइड में, जैसे ही रोकड़ा गया रिकॉर्ड कर लिया जाता है क्रेडिट साइड में। वो काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट निकाल के दे रहा होता है। तो ऑब्वियसली करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या करंट ईयर से रिलेटेड इनकम का रिकॉर्ड ही इसमें रखा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो सेम जैसे कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। चलिए अब देखिए यूसेज क्या होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। हमने देखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के यूसेज देखा था, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अलावा सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के यूसेज को देखेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के यूसेज है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज अ सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ड्यूरिंग अ ईयर। किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की अगर हमें एक्टिविटीज का रिजल्ट देखना है, मतलब सरप्लस देखना है या डेफिसिट देखना है, तो हम इस अकाउंट को यूज करेंगे। इट शोज ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट फुलफिल्स द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बिकॉज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट। ऑब्वियसली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को इसे लीगली प्रिपेयर करना होता है। तो ये सारे हैं यूजर स्टूडेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अकाउंट होता है इन अ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को इसी के बेसिस के ऊपर क्या बनाना होता है, इसी के बेसिस के ऊपर उन्हें अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आई थिंक आई हैव प्रेस्ड समथिंग। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों ही नॉन फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूँ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इट इज अ रियल अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, वेयर एज दिस
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट्स रिलेटेड टू कैश होता है. इट इज समरी ऑफ कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट. वेयर एज अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, सो इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर हम लोग देख रहे होते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम में भी हम स्पेसिफिकली देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ. इट इज प्रिपेयर्ड, किस पर्पज के लिए प्रिपेयर किया जाता है. इट इज प्रिपेयर टू नो द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर. वेयर एज इट इज प्रिपेयर टू सर्च ascertain the surplus at the end of year. It can be surplus or it can be deficit also. It starts with the opening balance of cash in hand and cash at bank, and at the end obviously hum logon ko cash in hand and cash at bank ka closing balance milta hai. And it has no opening and closing balance. Iska to ek taraf ka jo surplus hai, ek taraf surplus aata hai aur ek taraf deficit aata hai. Matlab aisa ho jaye ki incomes are more than expenditure to hum bolenge ki surplus hai, aur agar dusra ho jaye matlab expenditure is more than income to hum bolenge ki deficit hai. Receipts are shown on the debit side of payment and payment are shown on the credit side. मतलब receipt and payment की अगर बात करें हम, तो debit side पे हम receipts दिखाते हैं और credit side पे हम लोग सारे के सारे payments दिखाते हैं, क्योंकि it is a real account. So debit what comes in, credit what goes out का rule follow होगा. लेकिन ये account उल्टा है, ये है कौन सा account? Nominal account. इसीलिए यहाँ पर डेबिट साइड में आप सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखाएंगे. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, वो वाला रूल ये फॉलो करेगा. इट कंटेन्स ऑनली कैश आइटम्स, जहाँ जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितने भी इनकम है, वेदर दे आर कैश और आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अक्रूड बेसिस पे भी, अक्रूअल बेसिस पे भी जो इनकम है या फिर जो एक्सपेंडिचर है, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा. देन You need not to be accompanied by balance sheet. Whereas income and expenditure account balance sheet के साथ accompany होता है normally, क्योंकि ये हमारे revenue expenditure और revenue receipt का take care होता है. Capital के लिए हमें balance sheet बनाना होता है. Whereas real account is only summary of cash to rents. चले, I hope यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही है. अब हम last account की तरफ चलते हैं, जो है balance sheet. ये account नहीं है, actually balance sheet is a statement made on a particular date. तो देखते हैं balance sheet क्या है. Balance sheet means a statement which shows the assets and liabilities of an organization and its capital on a particular date. It depicts the financial position of an organization. मतलब एक particular दिन पे organization की financial position कैसी है, क्या उसकी assets उसके liabilities के बराबर है या नहीं है, क्या solvency है या insolvency है, वो सब हमें पता चलता है. तो features देखिए अगर balance sheet की, तो a balance sheet is always prepared on a particular date. ये किसी period के लिए नहीं बनाई जाती, एक on particular date बनाई जाती, normally on the year ending. It is prepared after the preparation of income and expenditure account. हम income and expenditure account बनाते हैं, उसके बाद हमारी balance sheet बनती है. ठीक है, हम receipt and payment account को standalone में देखते हैं, whereas income and expenditure account जो होता है normally balance sheet के साथ बनाया जाता है. Then it is not an account, it is statement. ये account नहीं है, इसमें कोई debit side या credit side नहीं होता, ये एक statement है जहाँ पर एक तरफ आपके पास liabilities होती है और दूसरी तरफ आपके पास assets होती है. It shows the financial position on a specific date. एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या उसकी एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बराबर है या नहीं है, वो ये बताता है. एसेट्स आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड एंड लाइबिलिटीज आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब यहाँ पर कोई डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया पहले. अब यूसेज देखते हैं, व्हाट आर द यूसेज ऑफ बैलेंस शीट, क्यों हम बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट शोज द एसेट्स ओन बाय अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है. इट रिवील्स द लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कितनी बाहर वालों की तरफ लाइबिलिटी. इट डिपिक्ट्स द कैपिटल फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो बताती है. एंड इट फुलफिल्स द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. जैसा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में भी पढ़ा था कि लीगली उनको ये बनाना होता है, उसी तरह से बैलेंस शीट को भी लीगली बनाना पड़ता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को. चले अब देखते हैं नेक्स्ट, इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ गए हम लोग स्टूडेंट. अभी तक हमने पहला वाला जो चैप्टर किया था वो अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंस था, जिसमें कि हमने बेसिकली ज्यादा बातें जो करी वो गैप से रिलेटेड तो थोड़ी बात करी, उसके बाद हमने पूरा का पूरा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स की बात करी, जिसके अंदर हमने पढ़ा हमारा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, हमने पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उनके बीच के डिफरेंसेस भी देखे. अब इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक वाली यूनिट, जिसमें
जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। जैसा हम सबको पता है सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। सारे बैंकों का एक तरीके से माई बाप है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री एंड कैरीज आउट द मॉनिटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को देखने का काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री इंडिया एंड मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल रेगुलेट एंड स्टेबलाइज द बैंकिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री इन द नेशन एंड इन नेशंस इंटरेस्ट। मतलब कि किसी भी तरीके से बैंकिंग सिस्टम से लोगों का ट्रस्ट ना उठना पाए, मॉनिटरी पॉलिसी को संभालना मतलब कि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना भी एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के अंदर आता है एंड वेरियस डेटा पब्लिश करते रहना, ये सारा काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। द सेंट्रल मॉनिटरी अथॉरिटी विच मैनेजेस द करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ये है सेंट्रल मॉनिटरी अथॉरिटी जो कि मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है इन एन इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी फिजिकल मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक एज वेल। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल सेंट्रल बैंक की बात करें तो इसके मेन फंक्शंस में आता है, सबसे पहला फंक्शन है इश्यू ऑफ करेंसी नोट। इश्यू ऑफ करेंसी नोट की जो मोनोपोली है वो है सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक है सोल मोनोपोली इन द इश्यू ऑफ करेंसी नोट। इट इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इश्यू। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देन दिस इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे कि कमर्शियल बैंक का काम होता है कॉमन पब्लिक के साथ डील करना, वो कमर्शियल बैंक जो होते हैं कॉमन पब्लिक के बैंकर होते हैं, उनके बिहाफ पर एज एजेंट काम करना, उनके एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करना और उन्हें लेंडिंग ऑफ मनी करना, ये सारा काम होता है कमर्शियल बैंक का। यही काम जो कमर्शियल बैंक कॉमन पब्लिक के लिए कर रहे होते हैं सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज एज वेल। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर एजेंट advisor to the government. As a banker it receives and makes payment on behalf of the government. As it advises the government in matters relating to the monetary and banking policy. तो इन सारी जगह पे जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का एडवाइजर, गवर्नमेंट का बैंकर एंड गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। बैंकर्स टू द बैंक, दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंकर्स टू द बैंक मतलब जैसे कमर्शियल बैंक की जब नीड होती है उन्हें क्या चाहिए होता है, सेंट्रल बैंक के थ्रू उनको हेल्प चाहिए होती है। कमर्शियल बैंक को हर तरीके से मदद करने के लिए सेंट्रल बैंक खड़ा हुआ रहता है। सो दिस इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक एंड दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट ऑल्सो। जब कमर्शियल बैंक को अचानक से मनी की जरूरत पड़ती है तो वो प्राइमरी मार्केट से वेरियस सोर्सेज के थ्रू मनी रेज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक बैंक दूसरे बैंक से भी बोरोइंग करता है लेकिन कहीं से भी जब पैसा नहीं मिलता है तो फिर जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास जो कि है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, जितनी भी फॉरेन रिजर्व आती है उस सबका कस्टोडियन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड गोल्ड बुलियन को सिक्योरिटी रखकर मनी प्रिंट भी करता है एंड बाकी सारा भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहता है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है। मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। हम मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट करते हैं मतलब कि एक डॉलर के बराबर कितना रुपए होगा, ये अगर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए तो सेंट्रल बैंक को एक्शन में आना पड़ता है और उन्हें करेक्शन करने के लिए वेरियस मेजर्स उठाने पड़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है और उनके साथ मिलकर के कुछ मेजर्स उठाने पड़ते हैं। तो ये सारे काम है, फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। देन देखते हैं कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन होते हैं। कमर्शियल बैंक होता क्या है, सबसे पहले ये समझ ले उससे पहले कि कमर्शियल बैंक इज द बैंक विच इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज, जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। एंड कमर्शियल बैंक लोगों से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करता है एंड लेंडिंग ऑफ मनी करता है। और जब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करता है तो इंटरेस्ट पे करता है, लेंडिंग ऑफ मनी करता है तो इंटरेस्ट लेता है लोगों से। उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही जो बोरिंग रेट और लेंडिंग रेट का डिफरेंस है उससे कमर्शियल बैंक पैसा अर्न करता है। कमर्शियल बैंक इज देयर फॉर अर्निंग प्रॉफिट ओनली। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह उसका उद्देश्य जो है कंट्रोल ऑफ मनी नहीं है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही इन द मार्केट है। उनके फंक्शंस क्या होते हैं पहले वो देखें। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर सबसे प्राइमरी फंक्शन में आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड वॉर लेंडिंग ऑफ मनी। ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रांटिंग लोन
loans. Fixed deposits, saving deposit, recurring deposit and current deposits are the main form of deposit जिनके form में जो current जो acceptance of deposit किया जाता है from the common public. Lending of money भी करी जाती है commercial bank के through. तो commercial bank lend money to the businessmen, farmers, artisans and other in the following ways. Overdraft के through deposit lending of money होती है, cash credit के through होती है, discounting of bill की तरह होती है and loans and advances की तरह होती है. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट में आपने देखा था फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट मतलब कि एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, लंबे पीरियड के लिए लोगों से डिपॉजिट ले लिया जाता है और उसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया जाता है. सेविंग डिपॉजिट जो होते हैं नॉर्मली बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं होते, थ्रिफ्ट को इनकरेज करने के लिए सेविंग डिपॉजिट रखे जाते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट जहाँ पे बार बार डिपॉजिट किया जाता है, सेविंग से ज्यादा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम होती है. एंड करंट डिपॉजिट जो होते हैं एक्चुअली इन डिपॉजिट्स पे बैंक नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट देता नहीं है क्योंकि इनकी अश्योरेंस नहीं रहती है कि कभी भी विड्रॉ किए जा सकते हैं, करंट अकाउंट होल्डर के द्वारा रखे जाते हैं. अब देखिए वेरियस लेंडिंग ऑफ मनी में वेरियस टाइप्स ऑफ लोन क्या है. एक होता है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मतलब इट इज अ लिमिट विच इज प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट होल्डर कि वो अपने अकाउंट में से ओवरड्रॉन कर सकते हैं टू अ सर्टेन लिमिट. जब भी वो ओवरड्रॉ करेंगे उस ओवरड्रॉन अमाउंट के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि वो सारी लिमिट एक्सरसाइज कर ले एक ही बार में. देन बात आती है कैश क्रेडिट की. कैश क्रेडिट भी ओवरड्राफ्ट की तरह ही एक होता है, सीसी लिमिट जिसे नॉर्मली बोला जाता है. तो कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है, कैश क्रेडिट में भी एक लिमिट दे दी जाती है कस्टमर्स को जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं या दूसरे होल्डर्स भी हो सकते हैं. इनको बता दिया जाता है इतने अमाउंट तक आप विड्रॉ कर सकते हैं एंड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन द एंटायर अमाउंट. जितना ओवरड्रॉन अमाउंट है या जितना उन्होंने कैश क्रेडिट की लिमिट को इस्तेमाल किया उसके ऊपर ही इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल. देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होती है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, मतलब पर्सन ए ने पर्सन बी को अगर कोई सामान उधारी पे बेचा तो उसे बदले में मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट. तो इस प्रॉमिसरी नोट को हम आज ही ले जाकर बैंक से इन कैश करा सकते हैं जो कि हमें बी पैसे देने वाला है एक महीने बाद या 15 दिन बाद या 3 महीने बाद, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है. तो आप आज ही बैंक से ले सकते हैं. तो बैंक एक तरीके से क्या कर रहा है, पहले पैसे दे रहा है मतलब कि आपको लोन दे रहा है और उस पर बैंक कुछ कमीशन ले लेगा और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर लेगा. सो यू नीड नॉट टू वेट फॉर 15 डेज, 1 मंथ और 3 मंथ. देन लोन्स एंड एडवांसेस. अदर टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं जहाँ की अपफ्रंट अमाउंट दिया जाता है, पूरा अमाउंट जो कस्टमर है एक ही साथ विड्रॉ कर सकता है या इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ कर सकता है लेकिन उसे इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर ही देना पड़ेगा, नॉट लाइक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट. सो दीज आर सर्टेन वेज इन विच कमर्शियल बैंक विल लेंड द मनी टू कॉमन पब्लिक. अब आगे देखें कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में और क्या फंक्शन आते हैं. प्राइमरी फंक्शन में हमने देख लिया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी. देन आते हैं एजेंसी फंक्शन. एजेंसी फंक्शन के मतलब बैंक विल वर्क लाइक एन एजेंट टू द कस्टमर. उसमें कलेक्शन ऑफ रिसिट करता है कमर्शियल बैंक, मेकिंग द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी करता है एंड एक्ट एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव भी करता है. कलेक्शन ऑफ रिसिट मतलब डिविडेंड कलेक्ट करना, इंटरेस्ट कलेक्ट करना एंड वेरियस अदर पेमेंट्स कलेक्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. तो ये काम करता है लाइक एन एजेंट. देन है मेकिंग द पेमेंट. मेकिंग द पेमेंट मतलब अगर आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देंगे तो बैंक अलग अलग जगह पर ऑन योर बिहाफ पेमेंट कर सकता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स डिबेंचर वगैरह वो भी बैंक अपने कस्टमर के लिए करके देता है एंड जो विल बनाई जाती है उनको एग्जीक्यूट करना एंड ट्रस्टी की तरह काम करना ये भी बैंक का एजेंसी फंक्शन में से एक फंक्शन. यूटिलिटी फंक्शन वी हैव इशूइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, अंडरराइटिंग कैपिटल and safe custody of valuables and advice and information. ये safe custody of valuables क्या होता है, मतलब कि locker facility जो provide करते हैं. then underwriting of capital issue मतलब जब भी कोई company अपने आप का IPO निकालती है, अपना IPO निकालती है तो company wants safety कि सारे shares बिक जाएँ, उसके लिए underwriters को appoint किया जाता है. underwriters वो person होते हैं जो कि कंपनी को अश्योरेंस देते हैं कि उनके शेयर्स बिकवा देंगे अपने क्लाइंट्स को. अगर उनके क्लाइंट्स उन शेयर्स को नहीं खरीदेंगे तो वो लोग खुद ये शेयर्स परचेज कर लेंगे. तो ये है अंडरराइटर, बैंक अंडरराइटर की तरह काम करता है. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करता है, वेरियस अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है, एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ द कस्टमर. ठीक है, तो ये सारे हो गए जनरल यूटिलिटी फंक्शंस परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक. तो हमने क्या फंक्शंस देख लिए बच्चों, एक बार रिवाइज कर लें. एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट हो गया, लेंडिंग ऑफ मनी हो गया कमर्शियल बैंक के थ्रू, देन एजेंसी फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ABCD पढ़ लिया एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन हो गया. ये सारे फंक्शंस हैं बाय सेंट्रल बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक.
हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कमर्शियल बैंक जो है ये वन ऑफ बैंक इन कंट्री होता है, मतलब बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं. वेयर एज इन अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. एक ही सेंट्रल बैंक होता है एक कंट्री में एंड इट इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम. इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. वेयर एज कमर्शियल बैंक आर ओन्ड बाय the private shareholders. It is aimed to serve the country's interest. Whereas inka aim hota hai commercial bank ka to earn the profit. There is only one central bank in the country. There are several commercial bank in the country. Whereas the banker to the government hota hai central bank. Whereas commercial bank is banker to the general public. It has monopoly over note issue. Commercial bank note issue nahi karta hai. It cannot issue the note. It controls all the other banks. Whereas commercial bank are control the function is controlled by the commercial bank, controlled by the central bank. Okay, so these are the differences between the central bank and commercial bank. This is important. इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे students. Then अब हम बात करें types of deposits जो हमने पहले देखा था. तो types of deposits के अंदर हमने current deposit discuss कर लिया था. एक बार फिर से यहाँ detail में देख लेते हैं. It can be withdrawn by depositor at any point of time and it without interest होता है ये current account. Depositors have to pay bank for services क्योंकि बहुत सारे transaction को facilitate करता है current account. They are generally made by the businessmen and industries who make and receive the large payment. Such amounts are called current account. Saving deposits होते हैं on the other hand जो कि household या employees open करते हैं. उनका purpose होता है thrift. Withdrawal with certain restriction होते हैं. यहाँ पे check facility available होती है generally made by household with surplus money or idle money के साथ. And low rate of interest होती है यहाँ पे. Only 5 checks a month, ये तो पुरानी बात हो गई है, अब ऐसा नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट जिनको टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है. अच्छा, ये करंट डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं. ये फिक्स डिपॉजिट है टाइम डिपॉजिट जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किए जाते हैं बैंक में. इट कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड. ऐसा नहीं है कि हम उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते. प्रीमेच्योर विड्रॉल इज पॉसिबल, लेकिन प्रीमेच्योर विड्रॉल करेंगे तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा. मनी डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट. लॉन्गर पीरियड ऑफ इंटरेस्ट होता है तो बैंक इस मनी को जो कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आ गई है इसको इजीली लेंड करने के लिए यूज कर सकता है. एक्सेप्टेड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर दोस विद सरप्लस अमाउंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. तो जैसे सपोज किसी पर्सन के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है एंड दैट मनी इज नॉट रिक्वायर्ड बाय देम फॉर अनदर वन ईयर और सो, देन दे कैन पुट इट इन द फिक्स डिपॉजिट. इसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट भी होते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट जहां पर एक मोटी रकम एक साथ डिपॉजिट नहीं करी जाती है, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल करके फिक्स डिपॉजिट की तरह रख दिया जाता है, इसे बोला जाता है रिकरिंग डिपॉजिट. ये क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स होते हैं. ये टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट ही है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की तरह मोटा अमाउंट एक बार ना रख के अलग अलग इंस्टॉलमेंट में से दिया जाता है. It encourages regular saving and rate of interest is nearly same as fixed deposit and यहाँ पर एक regular interval पे deposit किया जाता है. तो ये हो गए types of account. Then requirement for operating a bank account. क्या requirement होती है for operating a bank account, ये भी हमें देखना important है. तो यहाँ होता है paying slip book. Paying slip क्या होता है? A paying slip book contains the number of printed slips with pre-formatted counter foils and slip to be filled at the time of depositing cash and checks. Paying slip contains information relating to the date of deposit, name of the depositor, amount deposited, name and number of the bank account, etc. The paying slip के थ्रू हम क्या दिखाते हैं बैंक को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, किस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, किस डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, चेक है तो किस बैंक का चेक है, किसके अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है, वो अकाउंट नंबर है क्या है, ये सब. देन चेकबुक होती है अनदर इंस्ट्रूमेंट. तो चेकबुक क्या होता है? दिस बुक कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रिंटेड ब्लैंक फॉर्म्स चेक विद देयर काउंटर फॉइल्स consecutively numbered. An account holder can draw money from this account through the checks. Check के through money हम खुद draw कर सकते हैं for ourselves या किसी और को payment भी check के through किया जा सकता है. Then another instrument which is used by the bank is passbook. Passbook क्या होती है? It is extract or copy of customer's account in the bank's ledger as on a particular date. तो कितने transactions हुए, कितने deposits हुए, कितने withdrawals हुए या various charges levied by bank, उन सबका लेखा जोखा इस पासबुक के अंदर होता है. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बैंक अकाउंट. क्यों जरूरी है कि हम बैंक अकाउंट खोलें? तो सबसे पहला एडवांटेज है सेफ्टी ऑफ मनी. देयर इज ऑलवेज रिस्क इन कीपिंग कैश एट होम, सो इट गिव्स अ
कैश कैन बी स्टोलन, सो इट गिव्स सिक्योरिटी. पेमेंट फैसिलिटी होती है, पेमेंट कैन बी मेड इजीली बाय मींस ऑफ चेक, देयर इज नो नीड टू कीप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश एट होम. आजकल तो हमें चेक की भी जरूरत नहीं पड़ती, वेरियस मोबाइल एप्स आर अवेलेबल जिनके थ्रू हम लोग पेमेंट आसानी से कर सकते हैं. तो हैविंग अ बैंक अकाउंट इज वेरी वेरी यूजफुल थिंग. कलेक्शन फैसिलिटी, द बैंक कलेक्ट्स चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर. तो हमें खुद जाके काम नहीं करना पड़ता, बैंक को दे दो, बैंक आपके एजेंट की तरह ये सारे काम कर देगा. तो सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड फंक्शन. देन हैबिट ऑफ सेविंग को इंकरेज करता है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट का बैलेंस जब हम देखते हैं तो हाई बैलेंस अच्छा फीलिंग दिलाता है. और बैंक अकाउंट में बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बैंक चार्जेस लवाई करता है. तो इस तरीके से Having a habit of saving को इनकरेज करता है. लोन्स एंड एडवांसेस मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस यू मेंटेन इन द बैंक अकाउंट, आपको लोन्स एंड एडवांसेस मिल सकते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ नीड हेल्प करता है. सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, बैंक लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने सारे वैल्यूएबल्स लाइक ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं. तो सारे वैल्यूएबल्स की सेफ कस्टडी भी बैंक प्रोवाइड करता है. तो इस तरीके से हैविंग अ बैंक अकाउंट हेल्प्स इन मेनी वेज. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेक इज अनदर पॉइंट विच यू हैव टू स्टडी इन अंडर दिस बैंकिंग चैप्टर. सो वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ चेक? अ चेक इज वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट. They use check for withdrawing of money and bank account ensures the safety. Checks facilitate transfer of funds from one place to another place and from one country to another also. पेमेंट बाय चेक सर्व्स द पर्पस ऑफ रिसिट ऑल्सो, क्योंकि जब भी हम पेमेंट ऑफ चेक करते हैं तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है इन अवर अकाउंट ऑल्सो इन द कस्टमर, जिसको हमने पेमेंट किया उसको भी. तो हमें उसके लिए रिसिट की जरूरत नहीं है, चेक से पेमेंट करना वैलिड पेमेंट है, उसका हम लोगों को कॉन्ट्रोफाइल मिल जाता है. चेक फैसिलिटेट क्रेडिट विच इज हेल्पफुल एट द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द इकोनॉमी. तो चेक के थ्रू तरीके से क्रेडिट क्रिएशन होता है. चेक इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में घूम सकता है. Use of check leads to saving and the use of currency note. Okay, so हम करेंसी नोट बार बार इधर उधर ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक के थ्रू क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उससे करेंसी नोट सेव हो गया. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? हर एक चीज की डिसएडवांटेजेस होती है. तो यहाँ पर भी डिसएडवांटेजेस है. चेक्स नॉट लीगल टेंडर एंड क्रेडिटर में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चेक. लीगल टेंडर मनी क्या होती है? करेंसी नोट्स आर लीगल टेंडर मनी. तो चेक जो है वो स्टैंडर्ड पेमेंट नहीं है, चेक को कस्टमर मना भी कर सकता है. अ डिसऑनेस्ट पर्सन में फॉर्ज और मेक अल्ट्रेशन इन द केयरलेसली ड्रॉन चेक. सो चेक में फॉर्जरी के चांसेस हो सकते हैं, फोर्ज कर लिया सिग्नेचर किसी का, या फिर आपको चेक दे दिया कि अकाउंट में बैलेंस ही मेंटेन नहीं है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि कैश के साथ कभी भी नहीं होगा. चेक इज नॉट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ रिसीविंग पेमेंट फॉर द पर्सन हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट. ऐसे लोग तो बहुत कम ही हैं आजकल जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन यस, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनके लिए चेक इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड. देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस व्हेन चेक इज मिसलेड और स्टोलन. तो चेक के गुम जाने पर नुकसान हो सकता है. तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेक स्टूडेंट्स. नाउ व्हेन कैन अ बैंक रिफ्यूज पेमेंट ऑफ चेक? कब ऐसा होगा कि बैंक बना कर देगा, चेक उसके पास आएगा कि हम इसका पेमेंट नहीं कर रहे? When the funds to the credit of the drawer are not sufficient, मतलब drawer ने 10,000 का चेक लिखा और उसके अकाउंट में 8,000 रुपए है, तो बैंक विल रिफ्यूज. When check is deposited and presented for payment before the date it bears, मतलब suppose check लिखा हुआ है 25th of March का and आज वो check चला गया bank में, today is 22nd of March, तो obviously it is a pre-date check. तो ठीक है, post-date check, sorry. So before the date it is गिवन इन द बैंक, तो वो चेक बैंक ऑनर नहीं कर सकता है. वेन चेक इज स्टेल, मतलब 3 मंथ की डेट होती है चेक की, 3 मंथ का पीरियड पास होने के बाद अब चेक को बैंक में ले जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टेल चेक एंड उस चेक का बैंक जो है ऑनर नहीं करेगा. वेन ड्रॉअर हैज स्टॉप्ड पेमेंट ऑफ द चेक, ड्रॉअर ने चेक तो बनाया किसी और को दे दिया लेकिन फिर बैंक को उसने रिक्वेस्ट कर दिया स्टॉप पेमेंट का, तो अगर स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट आ गई है तो भी बैंक रिफ्यूज कर देगा. वेन द चेक इज ऑल्टरेटेड और अल्टरेशंस आर नॉट साइंड, उस पर काटापिटी करके कुछ लिख दिया गया और वहां जहां अल्टरेशन किया वहां सिग्नेचर नहीं किया ड्रॉअर ने, तो ऐसे चेक्स को बैंक रिजेक्ट कर देगा. वेन चेक इज मल्टीलेटेड, मतलब कि चेक में ठीक से सिग्नेचर नहीं हुआ है, फटाफटा है, कटा हुआ है कहीं से, इस तरीके का चेक है अगर, तो भी बैंक उसका पेमेंट करने से इनकार कर सकता है.
ना डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंट होता है? दोनों ही इंस्ट्रूमेंट बैंक आपके लिए यूज करता है, लेकिन चेक अलग होता है, बैंक ड्राफ्ट अलग होता है. चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन, वेयर इज बैंक ऑफ ड्राफ्ट इज ड्रॉन बाय बैंक. बैंक उसके लिए पेमेंट करता है, मतलब बैंक बना करके देता है. चेक कैन बी ड्रॉन और पेबल टू द बेयरर, वेयर इज ड्रॉन ड्राफ्ट कैन नॉट बी कैन बी मेड पेबल और टू बेयरर कैन नॉट बी मेड. मतलब ड्राफ्ट के ऊपर हमेशा नाम लिखा होता है. बेयरर का मतलब क्या होता है? जैसे 200 रुपए का नोट है आपके हाथ में है तो आपका, मेरे हाथ में है तो मेरा उस पर किसी का नाम तो नहीं लिखा होता. इसी तरीके से चेक हो सकता है, जो बेयरर चेक होता है वो जिसके भी हाथ में होगा उसका हो जाएगा. लेकिन अगर चेक अकाउंट पे ही चेक है तो जिसका नाम लिखा है, जिसका अकाउंट नंबर लिखा है, सिर्फ वहीं पर उसका पेमेंट हो सकता है, उसे बोलते हैं हम क्रॉस चेक. तो बेयरर चेक जो होते हैं वो बेयरर हो सकते हैं, मतलब चेक्स कैन बी बेयरर बट ड्राफ्ट कैन नेवर बी बेयरर. ड्राफ्ट के ऊपर हमेशा नाम लिखा जाएगा कि किस पार्टी के अकाउंट में ये पेड होगा. इन केस ऑफ चेक द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट हैज टू पे द कलेक्शन चार्जेस, बैंकों से कलेक्शन चार्जेस पे करने होते हैं. इन केस ऑफ अ ड्राफ्ट कमीशन इज पेड इन एडवांस बाय द सेंडर ऑफ मनी, तो पहले ही ड्राफ्ट बनाते टाइम ही हम कमीशन पे कर देते तो रिसीवर को कुछ पे नहीं करना होता है. अ चेक इज डिसऑनर्ड इफ फंड्स इन द ड्रॉअर्स अकाउंट इज इनसफिशिएंट, व्हेयरएज जब हम बैंक ड्राफ्ट बनाते तो पहले पेमेंट करते फिर बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट मिलता है, तो यहाँ पर एडवांस पेमेंट है इसीलिए डिसऑनर का कोई चांस ही पैदा नहीं होता. द पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द बैंक कंसर्न बैंक, मतलब स्टॉप पेमेंट किया जा सकता है, व्हेयरएज बैंक ओवरड्राफ्ट का स्टॉप पेमेंट आसानी से नहीं हो सकता है. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेज बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट स्टूडेंट्स. आई होप आपको समझ में आ रहा है. नाउ हम नेक्स्ट इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. ये कॉस्ट का चैप्टर है जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. हम पूरी की पूरी यूनिट एक साथ वन शॉट रिवीजन में यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है. मैं स्पीड बहुत फास्ट जानबूझ कर नहीं रख रही हूँ सो देट आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिले. ठीक है, सो स्लो स्पीड में धीरे धीरे आराम से पढ़ा रही हूँ सो देट यहाँ से पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपके कंप्लीटली पक्के हो जाए और आपको एनी मोर कुछ देखना ना पड़े बुक में से, आप सीधे सीधे क्वेश्चंस देख लें. तो कॉस्ट क्या होती है? ऑब्वियसली जो भी हम खर्चा करते हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है, ऑन द बिहेवियर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर आप कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्लासीफाई कर सकते हैं. ऑन द बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है. फिक्स कॉस्ट मतलब दोज कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स एंड द अमाउंट ऑफ विच इज फिक्स इररिस्पेक्टिव of चार्जेस चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब आप चाहे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो भी कॉस्ट उतनी होगी, चाहे आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी कॉस्ट उतनी होगी, चाहे आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी कॉस्ट उतनी होगी. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट अगर सेम रहती है तो उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ चेंज होती है, मतलब 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 0 एंड 100 पे ज्यादा, 200 पे और ज्यादा. सेमी वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जिसका सम कंपोनेंट जो है फिक्स होता है एंड अदर कंपोनेंट उसका वेरिएबल होता है. तो फिक्स यहाँ पे कुछ पार्ट फिक्स हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ टेलीफोन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल में एक रेंटल पार्ट होता है जो कि फिक्स रहता है और उसके बाद यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है. अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, देर इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड देर इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच कैन बी इजीली और डायरेक्टली और होल्ली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट सेंटर. जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर जितना मटीरियल लगा दो वो मटीरियल जो है कहलाता है डायरेक्ट मटीरियल, लेकिन उसकी पैकिंग के ऊपर कितना मटीरियल लगेगा, आउट ऑफ पैकेजिंग मटीरियल, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहना. या फिर हमने जो लेबर की बात करें, जिस लेबर ने इसे बनाया है उसकी कॉस्ट को असर्टेन करना प्रोडक्ट पर वो आसान काम है, लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ यू नो अकाउंट डिपार्टमेंट या कॉस्ट ऑफ सुपरविजन डिपार्टमेंट या एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट की बात करें पर यूनिट वाइज, तो उसे असर्टेन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी सारी कॉस्ट को हम बोलते हैं ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट स्टूडेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देर इज टू टाइप ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. इसको आप जरा अच्छे से पढ़ लें. चले सो ये हो गया आपका कॉस्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन का कॉस्ट जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं.
कॉस्ट के अंदर भी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, ये इतना सही है। कॉस्ट की यूनिट जो है बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको कंडेंस फॉर्म में सारी की सारी यूनिट नंबर 2 जो है आपको रिवाइज करा दी है। आई होप ये वन शॉट रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 2 आपको काफ़ी हेल्प करेगा। समय की बहुत कमी है इसीलिए और कुछ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इतना रिविजन मेरी तरफ से यू नो एग्जॉस्टिव रिविजन है, जहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है यूनिट नंबर 2 में से, एंड स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस गिवन बाय बोर्ड हमने फॉलो किया है। तो बस अब लग जाइए बाकी की प्रिपरेशन में। आपने काफ़ी कुछ रिवाइज कर लिया होगा अभी तक यूनिट नंबर 2 में, आपको हमारी हेल्प मिल गई है। बाकी की यूनिट्स भी आप अच्छे से रिवाइज कर लें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।